After a long search of hotel, we ended up staying at Lemon Tree in Chandigarh last night. And now we all have had breakfast and all set to explore Chandigarh. Hey guys, second day of Chandigarh today and we are heading to Sukhna Lake. मैं गया था पार्किंग करने और घर वालों को मैंने उतार दिया है. मेरा फर्स्ट टाइम है पर मैंने बहुत सुना है इट्स अमेजिंग. तो देखते हैं कैसा होगा. और यहाँ पे बोटिंग करने का प्लान है घर वालों का. नॉट श्योर कहाँ से एंट्री है. यहाँ पे आपको दिखेगी बहुत सारी दुकानें, गोलगप्पे टिक्की चाट की. तो हम आपको लेके चलते हैं बोटिंग की ओर. काफ़ी झूले हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए. और ये है बोटिंग जो मेन सुखना लेक जिसके लिए फेमस है. अब आप बोटिंग नहीं कर रहे? नहीं. क्यों? मैं डरती हूँ. आगे तुम कर रहे हो आप अम्मा? हाँ, इसलिए तो आए. चलो ये मम्मी एज यूजुअल हर जगह डरती हैं आके. है ना? आ जाइए मम्मा. ना बाबा ना. मैं इतनी बड़ी बोट है, आ जाओ. कुछ नहीं होगा मम्मा, इतना छोटा है. नहीं आ जाओ ना. मजा. भाई साहब कितने फीट है? 20 20. अरे आओ यार, 20 फुट है. क्या कर रहे हो? बाय बाय. कौन सी लेके जा रहे हो भाई साहब? कलर ग्रीन वाला. यहाँ पे सर बाबा देख के तो पर्स नहीं दे. खाना पड़ेगा. आई कांट ईट. हाँ आ रहा हूँ बाबा. ये पकड़ना उठा के आराम से. आराम हाँ दो हाँ दो हाँ दो. आएगी आएगी आराम से. आएगी आराम से. वाह तो धड़ाम आ गई. मैं गंदा नहीं करूँगी ना उससे सीट को. Our next spot is Rock Garden. This place is famous for things which are made out of scrap. Usually it takes 2 to 3 hours to cover the entire garden with clicking pictures. But due to time barrier, we left from there in 30 minutes, went to have lunch and headed to our next destination, Shimla. चलो now at Baba's Chicken, one of the best restaurant of Chandigarh, which is famous for butter chicken. The ambience was really beautiful and it gives the real feel of Punjab. Hey guys, so we are on our way to Shimla. Yahan se Shimla bacha 25 km, which will take us like 1 hour. Aur hum Shimla to nahi ruk rahe, hum ruk rahe hain Mashobra.
अशोभरा में हमने एक होटल बुक किया हुआ है, दैट इज अ रिजॉर्ट अचिंतम आई थिंक, वैसा रिजॉर्ट है। तो वहाँ पे जाके बताते हैं कि रिजॉर्ट कैसा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अभी शिमला 25 किलोमीटर है, पर फिर भी अभी यहाँ पे गाड़ी में मेरी दिखा रहा है 12 डिग्रीज, तो शिमला में इट इज़ शोइंग 7 to 8 डिग्रीज, और अशोभरा में भी आई थिंक 7-8 डिग्रीज होगा। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हमें तो ठीक लग रहा है पर पापा को काफ़ी ठंड लग रही है। पापा आपके एक्सपीरियंस क्या था ठंड का? फीलिंग क्वाइट कोल्ड, क्वाइट कोल्ड आ गया, और भी ठंड है ऊपर थोड़ी, और ऊपर होगी। जैकेट वगैरह निकाल लो आप, है दूसरी भी है, दूसरी है। अरे बिल्कुल। बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है, तो कपड़े पहनो ना ढंग से बेटा। पेरी गन तू? हेलो हाँ सच में पेरी गन, अंदर नहीं लगती ना, अंदर नहीं लगती। मम्मा आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, ठंड अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है। आपको? क्लाइमेट बहुत अच्छी है। अच्छा है ना, सही है सही है। स्वेटर वगैरह पहनो दोनों, आप मम्मी ने तो पहन लिया, आप ही पहनो। मैं अभी वहाँ पहनूंगी बैठ के। चले पापा। यस यस चले, चलो चलो एक चाय पी लेंगे, चाय पी लेंगे और मैगी। मैगी भी खाओगे? यस ठीक है। मम्मा आप क्या खाओगे? मैगी चाय, चाय मैगी। चलो नए दिन की शुरुआत, और अभी हमें अशोभरा में, रात को हम अशोभरा पहुंचे थे अराउंड 7-8 o'clock। तो हमने जो मेक माई ट्रिप से होटल बुक कराया था, दैट वाज आचमन होटल, विच वाज नॉट दैट ग्रेट, और बहुत ही वियर्ड लोकेशन में वो बना हुआ है। तो हम और उसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमने सोचा कि वाई नॉट चेंज द होटल। तो हम नेक्स्ट डे रुके हैं निलाया होटल में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होटल बहुत ही अमेजिंग है, इसके सामने वैसे सरोवर पोर्टिको, ये है होटल कोटी। एंड हियर इज़ अ रूम टूर, इट इज़ नॉट लेस देन अ 5-star। Awesome interior decorations with vibrant colors. Mama, अच्छा लगा? बहुत अच्छा ना? कैसा लग रहा है? मस्त मस्त। भाभी जी को बुलाओ, भाभी जी भी लेंगे। वो लेंगी मम्मा, लेंगे। मैं बोलूं मम्मा? मैं तो टेढ़ा हो गया। भाभी जी आओ, चाको व्हाट्सअप। कैसा लग रहा है? मस्त। ये वाला होटल अच्छा है? इट्स वंडरफुल वंडरफुल। आई विल स्टे हियर फॉर 10 डेज। 10 डेज। मम्मा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है। हाँ अब ठंड तो नहीं लग रही रात की तरह? नहीं अभी थोड़ी ठंड कम लग रही है। कम लग रही है ना, कम लग रही है। धूप भी अब तो तेज, धूप भी तेज है। पापा से पूछते हैं, पापा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठंड तो नहीं लग रही अब? नहीं अभी ठीक है, ठीक है ना। ये वाग्यू कैसा है? क्यों डर लग रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम निकल रहे हैं शिमला मॉल रोड के लिए। तो शिमला सेकंड डे, सब घर वाले बैठ गए हैं गाड़ी में, और अभी हम जा रहे हैं शिमला मॉल रोड। चलते हैं और आपको दिखाते हैं शिमला मॉल रोड और हमारा आज का डे कैसे स्पेंड होगा। बहुत ही स्टीप रास्ता है, तो इसे धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। सामने सरोवर पोर्टिको में शादी चल रही है, तभी वहाँ पर आपको बैंड वगैरह वगैरह आपको सुनाई दे रहा है। ये है कोटी रिजॉर्ट और ये है हमारा होटल निलाया। यहाँ पे अभी हम झूले झूल रहे थे, स्विंग है यहाँ पे,
और बाकी सब घर वाले पहले ही बैठे हुए गाड़ी में और रेडी हैं। चलो भाई चलो केक खाओगे? केक खा लेंगे मम्मा, केक खा लेंगे। नाउ वी आर रीच्ड शिमला की मॉल रोड की पार्किंग। यहाँ से हमें करनी है अभी लिफ्ट, और लिफ्ट के बाद वी विल हैव एक्सेस टू मॉल रोड। तो अभी हम लिफ्ट की टिकट ले रहे हैं। केला खाया है? लाल केला मिट्टी का आता है, इतना मीठा होता है। वापस आएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अखरोट कितना है? बहुत ही स्वाद फ्रूट से मजा आ गया। Worth. शिमला के मॉल रोड पे मम्मी और भाग्यूस गोलगप्पे के मजे लेते हुए। हाँ मैं अभी सीख गई ना खाने की। कितने खाओगे? पांच छह? नहीं दो। दो गोलगप्पे खाएगी भाग्यूस, तीखे एकदम भैया। एक तीखा नहीं, मीठा। इनको सिर्फ चटनी के साथ देना है सबके लिए। भाई उनको समोसे दिए थे। समोसे खाने बाबा? हाँ हाँ समोसे खाएंगे। दे दो एक खा लेंगे। लो भाभी जी, मैंने लिया। अरे मैंने इतना थोड़ा खाना है। रोई कर ले जो हमारा लेंगे। Bhagyu and I was still hungry, so we went to Cafe Shimla Times, which was at the mall road, and we had to wait for 45 minutes to get the table. But the food was not good and it was not worth the wait, and also it was overpriced. लिकर, बियर एंड वाइन शॉप इन शिमला। हमने जो भी लिकर पूछी है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 600-700 का डिफरेंस है एब्सोल्यूट। जो चंडीगढ़ में 1100 की मिलती है, गुड़गांव में भी 1100 की मिलती है, और यहाँ पे हमें मिल रही है 1900 रुपीज़ की। सेम बकाडी जो हमें 400 की मिलती है वो मिल रही है हमें 900 रुपीज़ की। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 500-600, 100% राइट इन बकाडी 100%। तो बेटर होगा कि आप जहाँ पे रहते हैं वहीं से दारू लेके आए और यहाँ पे अपने फालतू पैसे ना खर्च करें। शुगर ऐड कर लो, मैं कप ले आता हूं। शुगर ऐड करनी है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम लगेगा। कॉफी ब्रेक इतनी ठंड के बाद है ना। मम्मी ने समोसे का धुआं निकाला हुआ है ना। हे गाइस, this is the third day in Mashobra and our trip has almost come to an end for Mashobra Shimla. हमने यहाँ पे बहुत मस्ती करी। weather is so amazing। रात को और सुबह ठंड रहती है पर दिन में अभी हम धूप सेक रहे हैं। Bhagyu कैसा लगा, मजा आया तुम्हें? यार it was very nice and peaceful। you should come to Mashobra and not Shimla। राइट, ये होटल बहुत ही अमेजिंग है, फैसिलिटीज बहुत कुछ है यहाँ पे। आपको गेम्स वगैरह खेलने को मिलेंगे। अभी हम स्विंग्स झूल रहे हैं और हमने अपनी ट्रिप शुरू करी थी हरिद्वार से, विच वॉज अ स्पिरिचुअल प्लेस, एंड वी आर एंडिंग विद द सेम। हम जा रहे हैं अमृतसर, इसके बाद गोल्डन टेम्पल माथा टेकेंगे, और हमारा प्लान है वाघा बॉर्डर जाने का। पता नहीं वो पॉसिबल हो सकता है नहीं, क्योंकि हमने कल रिटर्न करना है। तो लेट्स सी अगर हम पहुँच पाएंगे नहीं। और आपको दिखाऊंगा मेरे हमारे होटल से ये व्यू, विच इज़ रियली अमेजिंग।
गाइस अभी हम रुके हैं स्टार गेज इनिंग्स कैफे या रेस्टोरेंट आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे चाय और मैगी खानी थी हमने तो इसलिए हम रुके हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे बैठने की सीटिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस हमने मंगाया है पनीर टिक्का सैंडविच, वेज बर्गर, वेज मैगी और एक और मैगी अभी आ रही है, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है, दिखने में बहुत बढ़िया है। तो गाइस नाउ वी हैव रीच्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन अमृतसर। वी विल फर्स्ट हैव डिनर एट अमृतसर हवेली एंड चेक इन टू आवर रूम इन अमृतसर और कल सुबह करेंगे हम गोल्डन टेम्पल में दर्शन एंड विल लीव फॉर दिल्ली। पपेट शो भैया देख रहे हैं, पपेट शो स्टार्ट कीजिए। जी वेलकम टू हवेली, आपका नाम बताइए बहन जी। भाग्यश्री। जी अभी ये भाग्यश्री आ रही है। भाग्यश्री बजे रे बजे रे बजे बजे रे बजे रे बजे बजे रे बजे रे बजे रे ढोली तार ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे वाहे गुरु